तो गाइस दोस्तों देखिए आपने वाली वीडियो। इस वीडियो के अंदर लैट पुल डाउन करने की कोशिश की जा रही थी और लैट पुल डाउन की वायर ब्रेक करी और ब्रेक करने के बाद जो एक्सरसाइजर वहां पे वर्कआउट कर रहे थे, जो बॉडी बिल्डर वहां वर्कआउट कर रहे थे, उनको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। ये मेरे पास रियल लाइफ केसेस भी हैं। रियल लाइफ केसेस इस तरीके से हैं जिसमें लैट पुल डाउन की वजह से एक आदमी को यहाँ पे सर पे मिड से वो लैट पुल डाउन सर पे आ रही थी, एकदम से हैवी वेट था, यहाँ छूटा एंड ही गॉट 16 स्टिचेस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। और अगर थोड़ा सा वेट और ज़्यादा होता तो पता नहीं ये सिचुएशन कहाँ चली जाती। सो पॉइंट ऑफ सबमिशन हियर इज के जिम के अंदर जब भी आप एक जिम चलाते हैं, ये एक ह्यूमन एरर नहीं है, ये मशीन का एरर है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन एज अ जिम ओनर आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ऐसा किसी के साथ ना हो। अभी आपने हाल बेहाल के अंदर एक न्यूज और भी सुनी होगी कि एक बच्चा 24-25 साल का अपने घर से निकला और ट्रेडमिल के ऊपर बैठा, उसने ट्रेडमिल की साइड्स पे हाथ रखे और ट्रेडमिल की साइड्स के ऊपर जब उसने हाथ रखे तो उसमें करंट का फ्लो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ये तो मशीन ने एक अर्थिंग प्रॉब्लम हुई मशीन के अंदर और फाइनली एक ये डेथ हो गई जिम के अंदर। सो गाइस अगर तुम यूट्यूब या तुम इंस्टाग्राम या तुम रील सर्च करोगे ना जिम एक्सीडेंट्स के नाम से, तो तुमको हजारों एक्सीडेंट दिखेंगे इस तरीके के। एज अ जिम ओनर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट फॉर द क्लाइंट्स, सेफ्टी फर्स्ट फॉर योर स्टाफ, सेफ्टी फर्स्ट फॉर योर सेल्फ। हम लोग क्या गलती कर जाते हैं कि हम लोगों का जिम चल रहा है और जब हम लोगों का जिम चल रहा है तो जो भी उसकी पीरियोडिक सर्विसेज हैं, मैंने कई जिम ऐसे देखे हैं कि जब तक तार का लास्ट अंत तक नहीं निकल जाता तब तक वो तार चेंज नहीं की जाती। ट्रेडमिल करंट में करंट मारते जा रहे हैं फिर भी उसके बाद ट्रेडमिल की सर्विस नहीं कराई जा रही। सो माई डियर फ्रेंड्स, द पीपल हु आर कमिंग टू यू, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ आप ध्यान से सुनिए। ये आप जो मेरे को से जिम ले चुके हैं, जो हमारे पास आते हैं, वो मेरी ये सजेशन बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिम 3 दिन के बाद ओपन होगा जब हम आपको इंस्टॉल करके देंगे। 3 दिन तक आप जिम के अंदर ड्राई रन करो। ये बात शायद आप सब लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे जो मेरे से प्रॉपर्टी, जो मेरे से सामान लेकर गए हैं, यूज एंड रिफर्बिश प्रोडक्ट लेकर गए हैं, कि 3 दिन तक पहले जिम खुद यूज करेंगे, हैवी से हैवी वर्कआउट करेंगे उसके ऊपर, सबसे नीचे 100 किलो का पूरा वेट स्टैक लगाएंगे। वेट स्टैक लगाने के बाद फिर अपन लोग उसको यूज करेंगे और फिर हम इसको कस्टमर के लिए ओपन करेंगे। सो माई डियर फ्रेंड्स, सेफ्टी इज 100% इम्पॉर्टेंट एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जिम ओनर अपने ट्रेडमिल्स की, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, अपने जितने भी आइटम्स आपके जिम के अंदर लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूसली उसकी अर्थिंग चेक करना। हर 10 दिन के अंदर, हर 12 दिन के अंदर जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी मशीन के जॉइंटर्स हैं, उनकी वायर चेक करना, उनके एलन की चेक करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एरर तो मशीन का है, बट इस केस के अंदर जब ऐसी कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी जिम के अंदर होती है, तो मैंने इतने छोटी छोटी सिचुएशंस के ऊपर जिम बंद होते देखे हैं, मैंने ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस के ऊपर ओनर्स को अरेस्ट होते हुए देखा है। कारण सिर्फ एक यही है कि हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं सेफ्टी के ऊपर। सो सेफ्टी फर्स्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, वेरी स्मॉल वीडियो बट दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। हर 2 महीने में थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में सर्विस ना करवाना, वायर थोड़ी सी भी गई हुई है उसको ठीक ना करवाना, स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस ना करवाना। एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी ऑन योर शोल्डर। साइनिंग ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, स्मॉल वीडियो, माय नेम इज सचिन कोहली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जिनकी सेफ्टी रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, तो आप मेरे को ज़रूर से क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। और यू नो अस दैट वी आर ऑर्गेनाइजेशन, हम एक ऐसी कंपनी है जो यूज्ड एंड रिफर्बिश प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है पूरी सेफ्टी के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।